2022 यानी देश की स्वतंत्रता का 75वां साल, लोकतंत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण साल। इस अहम साल में देश को कई चुनावों का गवाह बनना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है, लेकिन 7 राज्यों के चुनावों के नतीजे जो 2022 में आएंगे, वो 2024 के आम चुनावों समेत आने वाले कम से कम एक दशक की राजनीतिक दिशा निर्धारित कराने वाले होंगे। देखें ये खास रिपोर्ट। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम आ चुके हैं 208 विधानसभा भोगनीपुर क्षेत्र में, और अब की बार पता करते हैं कि अब की किसकी बनेगी सरकार। तो इसको लेकर हम आ चुके हैं 208 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में, इनसे राय जानेंगे कि अब की बार इनका वोट कहाँ जा रहा है। लगातार देख सकते हैं ये चुनावी चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है इंडियन प्राइम न्यूज की खास रिपोर्ट में, जहाँ पर जनता से पूछेंगे, करेंगे सवालात करेंगे, अब की बार उनका वोट किसको जा रहा, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। सभी पार्टियों के नेता दमखम दिखा रहे हैं जमीनी स्तर पर, जहाँ सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी नेता जमीनी स्तर पर आ चुके हैं और इस अखाड़े में कूद चुके हैं। लेकिन जनता का मत कहाँ जाता है, किसको जाएगा वोट, इसको लेकर हम कुछ करेंगे जनता से सवालात कि इनका वोट कहाँ जाएगा और किसको विधायक रूप में देखना चाहते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बुजुर्ग माता के पास से कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको वोट। नाम क्या है आपका? प्रेमवती। अब की बार किसकी सरकार? हाथी के। क्यों? भाजपा है, सपा है, सपा वाले कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। हाथी को देंगी? तो हाथी से क्या क्या लाभ मिला, क्या उम्मीदें लगाई है? अच्छा, हाथी में अगर बसपा प्रत्याशी की बात की जाए तो जुनैद पहलवान जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं, तो किसको वोट दे रही है? जुनैद पहलवान को विधायक बनाना चाह रही है क्या? हाथी को देंगे। प्रत्याशी पता है प्रत्याशी कौन है? अब जो को हुआ तो बने, हमें तक का पता। देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्याशी का नाम नजर नहीं है, लेकिन हाथी का नाम आ रहा है, मायावती जी का नाम आ रहा है और हाथी की पहचान। तो और भी बात करते हैं, तो क्या नाम है आपका? केसकली जी। ये बताइए अब की बात किसकी सरकार? तो हाथी को ही क्यों बोल रही भाई? हाथी को देंगे। अरे योगी बाबा ने तो राशन दिया, सब कुछ दिया, तो क्या तो राशन भी मिल रहा है, फिर भी योगी तो हाथी को राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, तो क्या करो, हमें अकाल कटा देगा। अरे भाई कोरोना के काल में, कोरोना काल में लगातार सुई बढ़वा रहा है ये साहब। वो तो कोरोना वैक्सीन है पब्लिक का। तो देख सकते हैं जनता के रुझान है, जहां पर सिर्फ हाथी का ही नाम ले रहे हैं और खासकर जुनैद पहलवान 208 विधानसभा भोगनीपुर से। और भी हमारे साथ में हैं, जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइएगा अब की बार किसकी सरकार? अरे भाई अम्मा थोड़ा भाजपा की तरफ नजर मान लो, गरीब पार्टी है बेचारी, वो 2 बार राशन मिल रहा है योगी बाबा, सपा वाले कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अखिलेश भैया बोल चुके हैं कि सपा सरकार बनती है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई मायावती तेल देंगे, मट्टी का तेल देंगे। तो मट्टी तेल ना मिल रहा? हमें कहाँ मिल रहा? अरे तो भैया मिट्टी तेल की बात कर रही हूँ, तुम्हें तो योगी जी ने सिलेंडर दे दिए। अरे अंधेरे में डर रहा था साहब। अम्मा बताओ मिट्टी सरकार बना रही हो? अच्छा पहलवान को, पहलवान तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जमीनी स्तर पर अगर बात की जा रही, लगातार महिला हो या पुरुष हो, सभी का एक मत है कि अब की बार हाथी की सरकार और 208 में विधानसभा में जुनैद पहलवान को विधायक रूप में देखना चाहते हैं। जबकि कल हमारी जुनैद पहलवान जी से बात हुई, उनका कहना था कि अगर जनता ने मुझे विधायक बनाया तो रुके हुए छूटे हुए जो विकास कार्य जो अभी तक नहीं हो पाए उनको पूरा कराएंगे। और खासकर उन्होंने एक बात और कही थी, कोरोना काल में कुछ प्रवासी मजदूर जो परदेश जाते थे
रोजगार करने के लिए जाते थे, ऐसे हालात बने तो हम अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी औद्योगिक फैक्ट्रियों की व्यवस्था करवाएंगे जिससे हमारे लोकल के व्यक्ति हमारे लोकल पे ही रोजगार पा सके। इसको लेकर देख सकते हैं ये भारी भीड़, ये कोई पैसे देकर कोई भीड़ नहीं बुलवाई गई है। इसको लेकर यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान मुसर्रत जी से बात करते हैं कि इनका वोट कहाँ जा रहा है। तो ये हमारे कैमरे में आ चुके हैं और इनसे बात करते हैं भैया से कि अपने गांव का विचार, गांव का मत अपनी किसकी सरकार। भैया आपका नाम बताइए। तो प्रधान जी ये बताइए अब की बात किसकी सरकार? बसपा सरकार। बसपा सरकार। अरे भैया सपा वाले तो कह रहे हैं, अखिलेश भैया ने बोला हमारी सरकार यूपी में बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भैया ट्रांसफार्मर नहीं दे पाए, हम लोग चंदा कर करके मंगाते थे 2014 में। सपा सरकार दौरान में ट्रांसफार्मर जब गांव फूकता था तो चंदा इकट्ठा करके मंगवाते थे। चंदा ढक्का होता था तब ट्रांसफार्मर मंगवाते थे। अरे वो बात पुरानी थी, अब अखिलेश भैया ने बोला है कि 300 देंगे तो देंगे, बस वो असंभव है। असंभव है, ये चुनावी लालीपॉप तो नहीं है? चुनावी लालीपॉप। मनु यादव भी कह रहे हैं हमका वोट दो, हमका वोट दो, हमका दोगे तो 300 यूनिट बिजली। अखिलेश भैया कहना है भैया बिजली के लिए तो वो कुछ नहीं दे पाएंगे जब ट्रांसफार्मर नहीं दे पाए सरकार में। अच्छा, तो बिजली कहाँ से लाएंगे? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम प्रधान जी ने बोला कि सन 2014 में जब गांव को ट्रांसफार्मर फूकते थे तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर मंगवाते थे। और आज सपा के अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपनी घोषणा पत्र में दर्शाया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री। तो प्रधान जी का कहना है भैया ये चुनावी लालीपॉप और जनता सब जानती है कि अब की बार 2022 की विधानसभा चुनाव में 208 विधानसभा भोगनीपुर में किसकी ताजपोशी होगी और कौन बनेगा विधायक। तो देखते रहिए इस खास रिपोर्ट को इंडियन प्राइम न्यूज पर जंग बहादुर सिंह के साथ। इस कदर बोल रहा है और भी हमारे साथ पे हैं, एक हमारी अम्मा खड़ी है देखो बहुत अच्छी है। अम्मा नाम क्या है? पच्चो नाम है भैया। तो अम्मा की किसकी सरकार बना रही है बार? आओ सही सही बताइयो तो वो किनकी नहीं जी, खुल के बताओ भाई किसको किस अपनी किसकी सरकार चाहती हो? हाथी की। तो पता है हाथी के प्रत्याशी कौन उतरा है भोगनीपुर से? अरे हम नहीं है, हम तो पत्रकार हैं, जुनेद पहलवान है। तो अब की बार वोट दे देना है तो बहन जी सरकार बन गई। अम्मा हमारे कहने से वोट ना दो, तुम्हारा वोट है तुम्हें जीका देने का बताओ। तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लगातार महिलाओं से बात करी है, अब यहाँ के बुजुर्ग दादा लोगों से बात करेंगे कि या बहन जी सरकार बनाना चाहते हैं या 300 यूनिट बिजली फ्री। सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव कहना कि अगर मेरी सरकार यूपी बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो भैया पूछते हैं दद्दा से, दद्दा नाम बताओ अपना। रामपाल जी एक बात बताओ कि चुनावी अखाड़े में सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर भोगनीपुर में उतर चुकी हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जो भी थे सब उतर चुकी हैं। सपा वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव कि अगर मेरी सरकार बनती यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और बसपा जुनेद पहलवान आ गए, भाजपा से राकेश सचान आ गए, तो केखा वोट दे रहा अपनी बार सही सही बताइए तो झूठ ना बोलिए। बसपा को बसपा का हमारे योगी जी देख लो भैया गरीब पार्टी महान है बेचारे पुजारी जी है। जुनेद पहलवान प्रत्याशी के रूप में अगर हम कह रहे हैं कि गरीब प्रत्याशी भाजपा वाले दे तो करने दे भैया, हम दे सिर्फ जुनेद का। अब भैया वो बात करते हैं भैया अबकी बार किसकी सरकार? जुनेद पहलवान। जुनेद पहलवान ऐसा क्यों जुनेद पहलवान? भैया सपा वाले मनु भी हैं साथ। अरे भैया आपका वोट है कुछ सोचो समझो विचार बनाओ। योगी महाराज ने महीने में दो बार राशन दिया, गैस सिलेंडर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, तो सभी तो मिला राम मंदिर पूजा कर रहे हैं, नहीं के लिए कर रहे हैं। तो अबकी बार फिर उनका वोट दे, इतना बड़ा जमीनी मुद्दा था राम मंदिर वाला, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, दो बार तुम्हें राशन दिलवा रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा 208 विधानसभा क्षेत्र में अभी तक विनोद कटियार विधायक जी रहे, उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराए, तो वे हीरो हैं कि जीरो हैं, क्या नजर में आ रहा है आपको? जनता ने हीरो के जीरो है। अबकी बार वोट दे रहे हो किसको दे रहे हो वोट? जुनेद पहलवान। जुनेद पहलवान को वोट देने की।